देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड द कंडीशन, कंडीशन निकालने बोल रहा है दैट द रूट ऑफ द इक्वेशन, जो इक्वेशन ये हमारा दिया हुआ है। तो नंबर वन क्या निकालना है, किसका कंडीशन, एपी का, सेकेंड में जीपी का और थर्ड में एचपी का, जो कि 2015 में हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, 2015 में। तो तीनों में से कोई एक दिया था यहाँ पर कंडीशन निकालने के लिए, ठीक। तो देखिए एक्चुअली में शायद था जीपी निकालने के लिए दिया गया था। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि इक्वेशन जो हमारा है ए एक्स क्यूब प्लस थ्री बी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री सी एक्स प्लस टी इक्वल टू जीरो, ये हमारा इक्वेशन है। तो इसमें ए पी का कंडीशन निकालना, फिर जी पी का, फिर एच पी का। तो चलिए देखते हैं एक एक करके सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हमारा क्या है, फोर किसके लिए निकाल रहे हैं, पहले हम ए पी के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन में ए पी के लिए निकाल रहे हैं, तो क्या होगा कि हम रूट जो लेते हैं ए पी का वो कैसे लेते हैं, अल्फ़ा माइनस टेल अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस टेल। देखिए तो लिखेंगे क्या कि लेट अल्फ़ा माइनस डेल लेते हैं, फिर अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस डेल लेते हैं, ये क्या होता है बी द रूट्स, बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है वो आप यहाँ पे लिखेंगे पूरा इक्वेशन, ठीक है। देन एफ एक्स की जगह पे, फिर क्या, देखिए ये रूट्स हो गया, मीन्स क्या हमें निकालना है इसका कंडीशन, मीन्स हो गया कि हमें एक कोई एक रूट निकालना पड़ेगा इस इक्वेशन का। तो चलिए इसको एडिंग करते हैं, ठीक है। देन द सम ऑफ द रूट्स, देन द सम ऑफ द रूट्स, रूट्स का सम करते हैं तो क्या होगा, अल्फ़ा, देखिए अल्फ़ा माइनस डेल फिर प्लस अल्फ़ा फिर प्लस अल्फ़ा माइनस सॉरी प्लस डेल इक्वल टू क्या होता है, देखिए माइनस ए वन बाई ए नॉट। तो माइनस ए वन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो ए वन है वो थ्री पी है, ठीक है, और माइनस में होता है हमारा जो फॉर्मूला होता है, तो माइनस थ्री बी बाई क्या कि ए नॉट होता है, तो ए नॉट की जगह पे यहाँ पे हमारा वन कोएफिशिएंट दिया हुआ है, तो दिस सॉरी ए दिया हुआ है, तो हमारा ए हो जाएगा, ठीक, हमारा ए दिया हुआ है ए नॉट की जगह पे और ए वन की जगह पे थ्री भी दिया हुआ है और माइनस ए वन बाई ए नॉट होता है, ये हो गया। देखिए माइनस डेल और प्लस डेल कैंसिल आउट, तो यहाँ पे कितना बच रहा है, यहाँ पे थ्री अल्फ़ा इक्वल टू माइनस थ्री बी ए, देखिए बाई ए, तो यहाँ पे थ्री थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ऊपर ऊपर वाला टर्म कैंसिल आउट, क्योंकि यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो ये हमारा थ्री में चला जाता है नीचे डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में जाएगा तो थ्री थ्री कैंसिल आउट, तो ये थ्री थ्री कैंसिल आउट, तो अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ से आ गया माइनस बी बाई ए आ गया। देखिए अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ से आ गया, मीन्स क्या कि अल्फ़ा जो हमारा हो गया वो हो गया क्या कि रूट्स हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पे सिंस अल्फ़ा बी द रूट्स, रूट ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन क्या एफ ऑफ एक्स, आप पूरा इक्वेशन लिखेंगे, ये जो हमारा दिया हुआ है वो पूरा इक्वेशन एफ ऑफ एक्स की जगह पे, ठीक। देन क्या हो जाएगा कि जो हमारा एक्स है ओनली फॉर वहाँ पे अल्फ़ा हम पुट कर देंगे, क्योंकि अल्फ़ा जो हमारा रूट्स है, तो मीन्स क्या कि एक्स की जगह पे वो हम अल्फ़ा पुट करेंगे। तो देन वी हैव, देन वी हैव, देखिए क्या होगा यहाँ पे ए अल्फ़ा क्यूब हो जाएगा प्लस थ्री बी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस थ्री सी अल्फ़ा प्लस डी इक्वल टू, ये हमारा जीरो हो गया, ये हमारा इक्वेशन हो गया। देन सिंपली क्या कि अल्फ़ा का जो वैल्यू है यहाँ पे पुट करेंगे, इसको इक्वेशन हम वन कंसीडर कर सकते हैं, एंड देन यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू पुट करेंगे, तो ए और अल्फ़ा का वैल्यू क्या है माइनस बी बाई ए, इसका क्यूब निकालना है क्यूब प्लस थ्री बी माइनस बी बाई ए, ये हमारा स्क्वायर प्लस थ्री और यहाँ पे सी माइनस बी बाई ए प्लस डी इक्वल टू जीरो, यूजिंग लिखेंगे हम क्या यहाँ पे वन को हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, यूजिंग वन। देन देखिए ठीक है कि यहाँ पे माइनस वाला टर्म रहेगा क्योंकि माइनस माइनस का क्यूब कर रहे हैं, तो माइनस टर्म रहेगा और ए बी क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव टर्म ही रहेगा, तो थ्री बी, देखिए यहाँ पे स्क्वायर और एक यहाँ पे है तो बी क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे नीचे डिनोमीटर में ए स्क्वायर, प्लस नहीं होगा प्लस यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि माइनस यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, तो
तो यहाँ पे क्या होगा कि थ्री सी बी बाई ए और यहाँ पे प्लस डी इक्वल टू ये हमारा जीरो हो गया। ठीक, देन फिर क्या करेंगे, देखिए हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है, तो ए क्यूब हमारा यहाँ पे ले लेते हैं क्या, या फिर ए यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे कैंसिल आउट कर देते हैं, एक टर्म यहाँ पे कैंसिल आउट, तो एक टर्म यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी क्यूब ए स्क्वायर और प्लस यहाँ पे देखिए क्या कि थ्री बी क्यूब और ए स्क्वायर माइनस थ्री सी बी बाई ए और प्लस डी इक्वल टू ये हमारा जीरो टर्म हो गया। मीन्स क्या, देखिए यहाँ पे क्या होगा कि पॉजिटिव वाला टर्म हो जाएगा क्योंकि माइनस बी क्यूब बाई ए स्क्वायर है और यहाँ पे प्लस है हमारा थ्री बी क्यूब बाई ए स्क्वायर, तो यहाँ पे टू बी क्यूब बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस थ्री सी बी बाई ए हो जाएगा, प्लस यहाँ पे डी हो जाएगा इक्वल टू ये हमारा जीरो टर्म हो गया। देन फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेते हैं एलसीएम, एलसीएम को सेम करना है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा टू बी क्यूब एज इट इज़ रहेगा माइनस, देखिए यहाँ पे ए है तो ए एक मल्टीप्लाई होगा, तो थ्री सी बी ए प्लस यहाँ पे क्या कि ए स्क्वायर जाएगा, तो ए स्क्वायर डी इक्वल टू जीरो। तो ये जो हमारा कंडीशन हो जाएगा यही हमारा रिक्वायर्ड कंडीशन हो जाएगा फॉर ए पी के लिए। तो हम लिखेंगे क्या, दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन और एपी के लिए निकाले थे, तो ये हमारा एपी के लिए हो गया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्या कि जीपी के लिए कंडीशन कैसे निकलता है। ठीक है, तो जीपी के लिए कंडीशन निकालते हैं, देखिए यहाँ पे सेकेंड सॉल्यूशन हमारा है, मीन सेकेंड वाला सॉल्यूशन, ये हमारा फर्स्ट वाला सॉल्यूशन था। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड वाला सॉल्यूशन हो जाएगा, तो सेकेंड सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे देखिए जीपी के लिए है, तो देखिए जीपी में जो हम लेते हैं रूट्स वो कैसे लेते हैं कि ए बाई आर ए ए आर या फिर अल्फ़ा बाई डेल अल्फ़ा अल्फ़ा डेल। ठीक है, तो इस टर्म में ले सकते हैं, तो लिखेंगे क्या कि लेट देखिए अल्फ़ा बाई डेल ही लेते हैं, तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा बाई डेल और अल्फ़ा और यहाँ पे अल्फ़ा डेल, इस टाइप का ये हमारा जीपी का फॉर्मेट होता है। ठीक, तो बी द रूट्स रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, जो हमारा इक्वेशन गिवन दिया हुआ वही इक्वेशन एफ ऑफ एक्स, तो आप इक्वेशन लिखिएगा। देन फिर क्या करते हैं, देखिए इसमें अगर हम ऐडिंग कर रहे हैं तो कोई हमें मतलब बेनिफिट हो ही नहीं रहा, अगर ऐडिंग करेंगे तो कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा है और हमें एक रूट चाहिए इक्वेशन का, तो हम क्या करेंगे प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और अल्फ़ा क्यूब हो जाएगा, देखिए तो इससे हो जाएगा हमारा, तो क्या लिखेंगे देन द प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स, ऑल रूट्स का हम प्रोडक्ट करते हैं, तो देखिए अल्फ़ा बाई डेल इंटू क्या अल्फ़ा और फिर इंटू अल्फ़ा डेल, तो देखिए डेल डेल कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू क्या होता है इसका जो यहाँ पे होता है फॉर्मूला, तो माइनस ए थ्री बाई ए नॉट होता है। ठीक है, क्योंकि जो प्रोडक्ट वाला था तो माइनस ए थ्री बाई ए नॉट, तो यहाँ पे क्या है कि हमारा ए थ्री जो दिया हुआ है वो डी दिया हुआ है, तो माइनस डी बाई हमारा ए नॉट ए है, तो माइनस डी बाई ए हो जाएगा, तो अल्फ़ा क्यूब निकल चुका है, मीन्स अल्फ़ा क्यूब इक्वल टू माइनस डी बाई ए। ठीक है, इसको इक्वेशन हम वन कंसीडर कर लेते हैं, तो इक्वेशन वन कंसीडर कर लेंगे, मीन्स क्या कि देखिए अल्फ़ा जो हमारा है वो रूट हो चुका है, तो हम अल्फ़ा क्यूब का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो अल्फ़ा क्यूब का वैल्यू पुट करेंगे, तो देखिए कैसे पुट करते हैं, क्या लिखेंगे कि सिंस जो हमारा अल्फ़ा है वो क्या हो जाएगा रूट्स हो जाएगा, तो सिंस अल्फ़ा बी द रूट्स बी द रूट ऑफ द इक्वेशन इक्वेशन कौन सा इक्वेशन हमारा है, देखिए ये इक्वेशन जो हमारा था वो क्या था कि ए एक्स क्यूब था प्लस थ्री बी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, इस टर्म का ये हमारा इक्वेशन था। ठीक है, देखिए देन फिर क्या करेंगे, ये रूट हो गया, मीन्स क्या कि x की जगह पे सिंपली अल्फ़ा जो हमारा वैल्यू है वो पुट कर देंगे, तो लिखेंगे देन वी हैव देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास जो हमारा टर्म है, मीन्स क्या कि यहाँ पे a अल्फ़ा क्यूब होगा प्लस थ्री b अल्फ़ा स्क्वायर प्लस थ्री c अल्फ़ा
प्लस डी इक्वल टू ये हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। देन अल्फ़ा क्यूब का वैल्यू हमारे पास आ चुका था, अल्फ़ा क्यूब का वैल्यू इक्वेशन वन से आया था क्या, माइनस डी बाई ए आया था, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फ़ा क्यूब यहाँ पे है तो ए हो जाएगा और माइनस डी बाई ए हो जाएगा, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट किए। प्लस यहाँ पे क्या है कि थ्री बी अल्फ़ा स्क्वायर है और प्लस थ्री सी अल्फ़ा प्लस डी इक्वल टू जीरो, यहाँ पे लिखेंगे क्या कि यूजिंग इक्वेशन वन को हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक ठीक है, यूजिंग इक्वेशन वन को हम यूज़ कर रहे हैं। देन देखिए यहाँ पे क्या कि ए ए कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस डी बचेगा, माइनस डी प्लस थ्री बी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस थ्री सी अल्फ़ा प्लस डी इक्वल टू जीरो, तो माइनस डी प्लस डी ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि थ्री अल्फ़ा और थ्री अल्फ़ा दोनों जगह पे है तो यहाँ पे कॉमन आउट कर सकते हैं, तो थ्री अल्फ़ा हमारा कॉमन आउट हो जाएगा तो बी अल्फ़ा बचेगा, अनुपुर बी अल्फ़ा प्लस देखिए थ्री अल्फ़ा यहाँ से कॉमन आउट तो यहाँ पे अनुपुर सी बचेगा इक्वल टू ये हमारा जीरो हो गया। फिर क्या करेंगे, थ्री अल्फ़ा अगर हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा जीरो हो जाएगा, ओनली फॉर ये बचेगा तो हम यहाँ लिखेंगे बी अल्फ़ा प्लस सी इक्वल टू ये हमारा जीरो हो गया, ठीक है। ये थ्री अल्फ़ा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, देन फिर क्या करेंगे कि देखिए बी अल्फ़ा तो हमारा बी अल्फ़ा है इक्वल टू माइनस सी हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे कि हम क्यूबिंग लेंगे, ठीक है, टेकिंग क्यूब, तो लिखेंगे टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स, क्योंकि अल्फ़ा यहाँ से हमें भगाना है, ठीक है, अल्फ़ा यहाँ से कैंसिल करना है, तो अल्फ़ा कैंसिल कैसे करेंगे, अल्फ़ा क्यूब कर देंगे तो उसका वैल्यू पुट कर देंगे तो अल्फ़ा हमारा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो क्यूब बोथ साइड्स, देखिए बोथ साइड लेंगे तो बी अल्फ़ा का यहाँ पे क्यूब हो जाएगा और माइनस सी का यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, मीन्स क्या हो गया कि बी क्यूब और अल्फ़ा क्यूब और इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, माइनस सी क्यूब हो जाएगा, तो अल्फ़ा क्यूब का वैल्यू सिंपली ये हमारा बी क्यूब है, ठीक, और अल्फ़ा क्यूब का जो हमारा वैल्यू था माइनस डी बाई ए था, तो ये हो गया हमारा और इक्वल टू माइनस सी क्यूब हो गया, तो ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है, देखिए यहाँ पे माइनस रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा क्या कि माइनस डी और यहाँ पे बी क्यूब बाई ए, और ये वाला टर्म अगर इधर ले आते हैं ये हमारा नेगेटिव है और ये वाला आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव सी क्यूब इक्वल टू ये हमारा जीरो, ये हमारा रिक्वायर्ड, देखिए सी क्यूब इक्वल टू जीरो, ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा सी क्यूब। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये रिक्वायर्ड कंडीशन ले सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं कि ए को हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं और ए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए हमारा जो फाइनली जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, ये इम्प्लाइज कर देगा क्या कि देखिए यहाँ पे है कि एलसीएम लेते हैं, ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो ए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला टर्म जो है हम ए वाला टर्म को क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव बना सकते हैं, इसको नेगेटिव बना सकते हैं, क्योंकि इस साइड ले जाएंगे इक्वल टू जीरो, तो इस साइड ले जाएंगे तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो फाइनली हम क्या कर सकते हैं डी और बी क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे माइनस सी क्यूब ए इक्वल टू जीरो ये हम लिख सकते हैं, सी क्यूब इक्वल टू जीरो ये हम कैसे लिख सकते हैं, और जब हमारा एलसीएम रहेगा ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई तो हमारा जीरो हो जाएगा, इस वजह से लिख सकते हैं। देन अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमें नेक्स्ट क्या करना है, देखिए नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या होगा, थर्ड नंबर हमारा जो है वो क्या है कि हमें निकालना है एचपी, ठीक है, तो एचपी के लिए देखते हैं इसका कंडीशन क्या होगा, तो एचपी का कंडीशन हमारा क्या होगा कि रूट जो एचपी का रहता है तो वो हम क्या लेते हैं, थर्ड एचपी, तो रूट जो हम लेते हैं वो क्या लेते हैं कि अल्फ़ा बीटा गामा में रूट्स लेते हैं, तो लिखेंगे क्या कि लेट अल्फ़ा बीटा गामा बी द रूट्स, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन क्या है हमारा ए एक्स क्यूब प्लस थ्री क्या है हमारा थ्री बी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, ये हमारा इक्वेशन है, ठीक, तो इसका रूट्स है अल्फ़ा बीटा गामा, देन फिर क्या होगा कि ये तीनों का हम प्लस करते हैं इसमें, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, माइनस ए वन बाई ए नॉट मीन्स माइनस
थ्री बी बाई ए, इसको इक्वेशन हम वन कंसीडर कर लेते हैं इसके लिए। देन फिर क्या करेंगे, दो रूट का प्रोडक्ट फिर सम, तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा थ्री सी बाई ए, इक्वेशन हम टू से कंसीडर करेंगे। देन थर्ड में क्या करते हैं कि अल्फ़ा बीटा गामा तीनों का प्रोडक्ट करते हैं, तो अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू क्या, माइनस डी बाई ए, ठीक है, इसको इक्वेशन हम थ्री कंसीडर कर लेंगे। देन फिर देखिए तो हम नेक्स्ट क्या करते हैं कि देखिए अल्फ़ा बीटा गामा जो है वो किस में है, एच पी में हमारा दिया हुआ है, हम इसको ए पी में कन्वर्ट करते हैं, तो लिखेंगे क्या कि सिंस अल्फ़ा बीटा गामा जो है आर इन एच पी में दिया हुआ है, तो क्या देयर फोर देखिए वन बाई अल्फ़ा वन बाई बीटा और वन बाई गामा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आर इन ए पी में हो जाएगा, तो ए पी में हो जाएगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा, देखिए बीटा का जो यहाँ से वैल्यू निकलता है टू अल्फ़ा गामा बाई क्या होता है, अल्फ़ा प्लस गामा, ये होता है वैल्यू, ठीक, तो ये एक फॉर्मूला से निकलता है ये वैल्यू। देन फिर क्या कि ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि बीटा अल्फ़ा प्लस यहाँ पे बीटा गामा इक्वल टू टू अल्फ़ा गामा, तो देखिए इक्वेशन टू जैसा ये आपको लग रहा है कि बीटा अल्फ़ा और बीटा गामा अल्फ़ा गामा यहाँ ओनली फॉर एक्स्ट्रा है, तो अल्फ़ा गामा हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है, तो ऐडिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा गामा प्लस यहाँ पे अल्फ़ा गामा इक्वल टू यहाँ पे इधर भी एक ऐड कर देंगे अल्फ़ा गामा, तो टू अल्फ़ा गामा और एक और ऐड करेंगे तो थ्री अल्फ़ा गामा, तो थ्री अल्फ़ा गामा हो जाएगा, ठीक। देन फिर इसका जो वैल्यू है यहाँ इक्वेशन टू से हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो ये क्या इक्वेशन हो जाएगा, थ्री सी बाई ए इक्वल टू थ्री अल्फ़ा गामा, ठीक है, तो थ्री अल्फ़ा गामा हो गया, तो थ्री थ्री ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो थ्री थ्री ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो थ्री थ्री ये हमारा कैंसिल आउट हो गया है, और यहाँ पे क्या कि अल्फ़ा गामा का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो अल्फ़ा गामा का जो हमारा वैल्यू निकलेगा वो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अल्फ़ा गामा का वैल्यू तो सी बाई ए हो जाएगा, ठीक, इसको इक्वेशन हम फोर कंसीडर कर लेंगे। देन देखिए अल्फ़ा गामा का वैल्यू क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे जो है अल्फ़ा गामा, तो अल्फ़ा गामा का वैल्यू जो हमारा है वो क्या इक्वेशन फोर से, देखिए इक्वेशन फोर यही हमारा है, तो अल्फ़ा गामा का वैल्यू यहाँ पे हो गया, मीन्स क्या कि ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं इक्वेशन थ्री में, इक्वेशन थ्री में अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ पे बीटा का वैल्यू हमें सिंपली निकल जाएगा, और बीटा का वैल्यू निकल जाएगा वो हमारा रूट हो जाएगा, तो रूट हो जाएगा मीन्स क्या कि हमारा कंडीशन निकलेगा, क्योंकि कंडीशन में एक रूट हमें इस इक्वेशन का निकालना पड़ेगा, ठीक, तो हम लिखते हैं क्या कि देखिए हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा गामा इन किस में पुट कर देते हैं, थ्री में पुट कर लेते हैं, थ्री वी गेट, देखिए तो अल्फ़ा गामा का वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा बीटा हो जाएगा, और अल्फ़ा गामा का वैल्यू क्या है, सी बाई ए इक्वल टू माइनस डी बाई ए, ठीक, तो देखिए माइनस यहाँ पे ए जो हमारा डिनोमेटर में ये हमारा कैंसिल आउट हो सकता है, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो बी का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बीटा का जो वैल्यू है माइनस डी बाई यहाँ पे सी हो जाएगा, देखिए माइनस डी बाई सी हो गया, मीन्स क्या अब हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा रूट हो गया, तो लिखेंगे यहाँ पे सिंस बीटा बी द रूट ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन क्या है एफ ऑफ एक्स, आप इक्वेशन पूरा लिख दीजिएगा, ठीक है, देन फिर क्या करेंगे कि तो क्या कि ओनली फॉर एक्स की जगह पे हम बीटा पुट कर देंगे, तो हमारा ए बीटा क्यूब प्लस थ्री बी और यहाँ पे बीटा स्क्वायर प्लस यहाँ पे थ्री सी यहाँ पे बीटा हो जाएगा प्लस डी इक्वल टू ये हमारा जीरो हो जाएगा फॉर्मेट। देन फिर देखिए क्या कि बीटा का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं क्योंकि बीटा का वैल्यू हमारा आ चुका है, इसको इक्वेशन हम फाइव भी कंसिडर कर सकते हैं, इक्वेशन फाइव कंसिडर कर लीजिए, तो यहाँ से बीटा का वैल्यू पुट करेंगे तो ए माइनस डी बाई सी ये हमारा क्यू प्लस थ्री बी और बीटा स्क्वायर माइनस डी बाई सी का देखिए यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे थ्री सी और माइनस डी बाई सी
और प्लस डी इक्वल टू जीरो, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, यूजिंग हमारा फाइव हुआ है, ठीक है, फाइव को हम यूज़ किए हैं, ठीक। देन देखिए नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए हमारा रहेगा, ठीक है, और माइनस डी डी बाई सी का क्यूब, मीन्स क्या कि माइनस का क्यूब तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे डी क्यूब बाई सी क्यूब हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा कि प्लस होगा और थ्री बी डी स्क्वायर बाई यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे होगा थ्री सी है और माइनस डी बाई सी है यहाँ पे, ठीक है, और प्लस यहाँ पे डी इक्वल टू जीरो है। तो यहाँ पे डी देखिए यहाँ पे हम डी मल्टीप्लाई कर सकते थे, तो ये हमारा क्या हो जाता है कि नेगेटिव टर्म में चला जाता, तो वही हमारा नेगेटिव टर्म में चला जाएगा ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे ए स्क्वायर नहीं सी स्क्वायर होगा, जैसे सी स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा वो ए स्क्वायर गलती से यहाँ पे भी सी हो जाएगा, ओके, डी बाई सी था हमारा बीटा का वैल्यू, तो माइनस डी बाई सी, तो सी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देन देखिए यहाँ पे क्या होगा कि माइनस ए डी क्यू बाई सी क्यू है, प्लस यहाँ पे थ्री बी डी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है, और माइनस थ्री सी डी बाई यहाँ पे सी, और प्लस डी इक्वल टू जीरो, ये वाला टर्म है हमारा। देन फिर यहाँ पे सी क्यूब, देखिए यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो क्या होता है कि माइनस ए डी क्यू और यहाँ पे प्लस होगा और एक सी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो थ्री बी डी स्क्वायर सी माइनस यहाँ पे सी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, तो सी स्क्वायर और सी यहाँ पे है तो सी क्यूब हो जाएगा, तो थ्री सी क्यूब और डी हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी क्यूब तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई और डी इक्वल टू ये हमारा जीरो हो गया। देखिए ये जीरो हो गया, मीन्स क्या ये जो हमारा रूट निकला है तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि पॉजिटिव टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं सारा इधर, और जो हमारा ये जो एलसीएम था तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारा जीरो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसको पॉजिटिव बना सकते हैं क्योंकि इक्वल टू जीरो है, तो उस साइड ले जाएंगे आरएचएस के साइड, तो सारा नेगेटिव वाला टर्म पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हमारा ए डी क्यू हो जाएगा माइनस यहाँ पे थ्री बी डी स्क्वायर सी, यहाँ पे प्लस हो जाएगा थ्री सी क्यूब डी माइनस सी क्यूब डी इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा क्या, देखिए डी क्यूब सी, हाँ यहाँ पे देखिए सी क्यूब और डी, और यहाँ पे थ्री सी क्यूब और डी है, मीन्स क्या यहाँ पे टू सी क्यूब डी हो जाएगा, तो ये हमारा क्या कि ए डी क्यूब माइनस थ्री बी डी स्क्वायर सी, और यहाँ पे प्लस टू सी क्यूब डी, देखिए सेम आ गया यहाँ पे इक्वल टू ये हमारा जीरो, विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन फोर किसके लिए, एच पी के लिए, तो ये हमारा एच पी के लिए था, तो ये एच पी के लिए निकल गया, ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखें कि ए पी का कैसे निकलता है, जी पी का कैसे निकलता है, एच पी का कैसे निकलता है, सारा तीनों एक ही वीडियो में।